नमस्कार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं मैं सृजन राजपूत एन के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आप हमें देख रहे हैं ई e विद्या चैनल नंबर नौ पर और आपको बता दूं कि ये एक लाइव इंटरेक्टिव फोन इन प्रोग्राम है इसलिए आप अपने प्रश्नों के जरिए ज़रूर हमसे इस सत्र के माध्यम से जुड़िएगा तो पहले मैं आप सभी को विषय से अवगत करवा दूं आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल साइंस कक्षा कक्षा नौ के बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन ये हमारे आज का शीर्षक है मैं इसे शीर्षक से बढ़कर एक विषय कहूँगी क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे कक्षा नौ के बच्चों के लिए अभी हम बात कर रहे हैं जब आप ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा में आएंगे तो अब आप इसको एक विस्तृत विषय के तौर पर भी जानेंगे पर यहाँ पर हमारा शीर्षक है सोशल साइंस का फिजिकल एजुकेशन तो ज़रूर इस सब्जेक्ट को सुनकर आपके मन में बहुत से प्रश्न उठे होंगे तो आप बेझिझक इन प्रश्नों को हमसे साझा करें आप हमें मेल लिख सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट दी रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर ये फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है ये है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ या फिर आप हमसे जब जुड़ रहे हैं तो आप आगे के लिए भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमें भेजें तो क्योंकि अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसे बताने के लिए भी कोई खास ही हमारे साथ जुड़ा है मैं परिचय देना चाहूँगी सर डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा का सर एसोसिएट प्रोफेसर है फिजिकल एजुकेशन के डी ई एस एस एन आई ई -e एन सी ई -e आर टी विभाग नई दिल्ली से सर नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते क्योंकि अपने आप में जैसे कि मैंने कहा विषय खास है हमारे साथ अतिथि खास हैं तो चलिए शुरुआत भी खास करते हैं पहले सर से जानते हैं कि ये फिज़िकल एजुकेशन या फिर कहीं कि शारीरिक विज्ञान क्या है और क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है और सर क्योंकि हम शारीरिक विज्ञान की बात कर रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं सुनते हैं कि फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ये दो टर्म है क्या ये दोनों टर्म सेम है या फिर कहीं कि इनमें कुछ अंतर है ये बहुत से प्रश्न हैं जो कि एक साथ मन में आ रहे हैं तो चाहें आप एक एक करके हमारे सभी प्रश्नों को आ, हमारे बच्चों के लिए जो इसकी व्याख्या करें सर। बिल्कुल जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स क्या है सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत विस्तृत विषय है जीवन का जन्म जब बच्चा लेता है तब से स्टार्ट होकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो फिजिकल एजुकेशन के किसी न किसी रूप से जी रहा होता है जी जन्म लेते समय भी देखेंगे बच्चा स्टार्ट रोता है सबसे पहले मां अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर भी आपको कहता है कि नहीं ये कुछ इशू है तो जन्म के समय रोना तो देट इज द बेसिक स्किल ऑफ लाइफ या फंडामेंटल स्किल ऑफ लाइफ है तो इस तरह से कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन हमारे दैनिक दिनचर्या में हर एक्टिविटीज़ में जहाँ पर फिजिकली मूवमेंट इन्वॉल्व है दैट इज फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स उसका एक छोटा पार्ट है इस फिजिकल एजुकेशन में हम आ, योगा वेलनेस आ, उसके स्परिचुअल डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट इन सबको जोड़ते हैं फिजिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा अमरेला है और स्पोर्ट्स उसका एक पार्ट है हां उसके थारे हम फिजिकल एजुकेशन को विकास करते हैं ये एक विषय है तो जी तो पर... बच्चों जैसे कि सर बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी छतरी है एक विस्तृत विषय है और उसकी अंतर्गत बहुत सी जो कह लें कि शाखाएं आती हैं और वहीं स्पोर्ट्स भी इसके अंतर्गत आता है तो बच्चों पहले कहते थे ना कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो मैं आगे जोड़ती हूँ कि अगर आप खेलोगे कूदोगे तब भी आप नवाब बन सकते हैं विषय विषय को जानना शुरू करते हैं और सर जानेंगे कि ये क्या है फिजिकल एजुकेशन और क्यों इसे आज के समय पर इतना बढ़ावा दिया जा रहा है और जरूरत भी है क्योंकि समय बदल रहा है और शारीरिक गतिविधियों को जो है उनका सही स्थान देना भी जरूरी है जी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिक्षा दर्शन में हम लोगों को जो बताया है उनमें विवेकानंद जी ने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता हो मस्तिष्क की शक्ति का विकास हो बुद्धि का विकास होता हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके इन विवेकानंद जी के इस दर्शन में ही शारीरिक शिक्षा का सारा निचोड़ लगभग निकल के आया है जी। और भारत सरकार और उच्च शिक्षा के द्वारा शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में कक्षा तीन से कक्षा बारह तक के लिए लाया गया है तो ये एक बड़ा आ, और अच्छा पहल भारत सरकार के द्वारा है जनरली फिजिकल एजुकेशन को जब हम समझने की बात करते हैं बच्चे के रूप में तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है फिजिकल और एजुकेशन फिजिकल का जो बात है दैट मीन्स फिजिकल किसी भी एक्टिविटीज को अगर हम करते हैं दैट इज नोन एज फिजिकल चाहे हम पेड़ पे चढ़ रहे हों या जंप कर रहे हो या वॉक कर रहे हो या यो हमारे भारत में लगभग मॉर्निंग वॉक इवनिंग लगभग सबको डॉक्टर सजेस्ट करता है दे आर फिजिकली इन्वॉल्व इन इट दैट इज इज फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन दैट इज दी कुछ स्पेशलाइज एरिया है जिसको आप परफेक्शन पाते हैं उसको हम एजुकेशन कहते हैं कुछ अच्छा उसकी नॉलेज जिसपे एक आपकी पकड़ है उसको हम एजुकेशन कहते हैं जब दोनों को मिल, मिला लेते हैं तो फिजिकल एजुकेशन बनता है दैट मींस कहने का है कि फिजिकल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम कुछ सीखते हैं अगर हम कुछ लर्निंग करते हैं फिजिकल इन्वॉल्व एक्टिविटीज के थ्रू दैट इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन उसको हम अगर uh, uh, कहें कि फिजिकल एजुकेशन इज दफ एक्सपीरियंस विच कम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स आपर में या किसी और एजुकेशन में कहेंगे तो फिजिकल एजुकेशन इज द वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज व्हिच आर सेलेक्टेड एंड कैरी ऑन विद रिगार्ड टू वैल्यू ऑफ ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बिहेवियर तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी इट मे बी फिजिकल एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इसके कल्चरल डेवलपमेंट नीरो डेवलपमेंट ये सारे फैक्टर्स को मिला के जब हम करते हैं तो कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट है तो फिजिकल एजुकेशन इज अ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग जी सर बहुत ही खूबसूरत इसकी परिभाषा जो आपने बच्चों के लिए बताई है मुझे लग रहा है बच्चों आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे हमारा शीर्षक हमारे विषय को क्योंकि इतने अच्छे से सर ने इतने सरल शब्दों में बताया कि एक पूरा विभाग जो आपकी शारीरिक व्यवस्था को आप किस तरह से काम करते हैं चलाते हैं और उसे लंबे समय तक करते रहें इससे जुड़ी एक पूरी शिक्षा का जो ये विस्तृत रूप है इसे आप फिज़िकल एजुकेशन के तौर पर देख सकते हैं और सोशल साइंस में आज सोशल साइंस के अंतर्गत इस विषय को हम जान रहे हैं और आगे सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम एक ऐसी संस्था में हैं एन में हैं जो कि शिक्षा से जुड़ी एक ऐसी अनुसंधान परिषद है एक केंद्र है जहाँ से शिक्षा का एक मुझे लगता है कि एक ऐसा बीज अंकुरित होता है जो एक विशाल वृक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है तो ऐसे में एन के कुछ कदमों पर भी इस विषय से जुड़ी चर्चा करना चाहेंगे एन फिजिकल एजुकेशन के लिए आ, बुक्स तो, तो बना ही रहा है इसके अलावा एन की नई उसमें भी, बुक्स बना रहा है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार के मिलके एनसीईआरटी ने एक नेशनल योगा ओलंपियाड स्टार्ट किया 2016 से जिसमें योगा को पूरे भारत में बढ़ाने के लिए और कैसे उसको और आगे डेवलप किया जाए उसके लिए काम कर रहा है इसमें जो है आ, भारत के सभी स्टेट्स और यूटीज आती हैं इसके अलावा हमारे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सीबीएसई आईएससी बोर्ड और हमारे जो आरआईएस हैं डीएमएस स्कूल हैं उनकी टीमें और एक क्लब महाविद्यालय क्लब जो स्कूल स्कूल हैं इनके स्कूल्स के बच्चे आते हैं नेशनल हुँ. योगा ओलंपियाड में तो ये एन ने एक फिजिकल एजुकेशन को या कह सकते हैं कि योगा को बढ़ावा देने के लिए आ, स्टार्ट किया है और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो हमारे सोशल साइंस द्वारा कराया जाता है जी सर आगे आपसे क्योंकि आ, जब आप बता रहे थे तो इन स्लाइड्स के बारे में आप बता रहे थे तो आप चाहेंगे स्लाइड्स के माध्यम से बच्चों को जो है इस विषय से जुड़ी ज्यादा जानकारी जो है आप दें प्लीज आपसे चाहेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन एम क्या है जनरली एम की जब बात करेंगे तो हम एक ही मोटो हमारा निकल के आता है फिजिकल एजुकेशन कि हम फिजिकल एफिशियंसी को कैसे बढ़ाएं मेंटल एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, सोशल एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं और ओवरऑल वेलविंग well को कैसे डेवलप करें यह फिजिकल एजुकेशन का एम होता है हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स योगा एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज इसका एक पार्ट हो सकती हैं जी uh, uh, उसमें एक पार्ट हो सकती हैं पर एम जो हमारा अल्टीमेटली है वो यही है कि हम एक हेल्दी नेशन और हेल्दी एटमॉस्फेयर को डेवलप करें जी इसके ऑब्जेक्टिव की जब बात हम करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन के जनरल ऑब्जेक्टिव में चलेंगे तो सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट ठीक है बच्चा जब खेलना शुरू करता है या छः साल से ऊपर आता है तो उसको हम के उसकी मसल्स के ऊपर वर्क करते हैं मोटर स्किल्स के बारे में काम करते हैं उस देखने में वाइज अच्छा दिखे दैट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट ठीक है मेंटल डेवलपमेंट की उसकी सोच अच्छी हो वो सामाजिक हितों के बारे में सोचे समाज के जो शर्वमान्य रोल कह सकते हैं जिनको उन पर आचरण करें ऐसी विकास का भी हम फिजिकल एजुकेशन के द्वारा करते हैं सोशल इंटरचेंज होते हैं कल्चरल इंटरचेंजेस होते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से उनको डेवलप करें हेल्थ एंड वेलनेस पे हेल्थ डेवलपमेंट uh, करता है पैसे स्वस्थ रहे और उसके uh, क्या प्रोग्राम्स को हम रॉप करें भारत सरकार ने इसके लिए खेलो इंडिया फिट इंडिया और बहुत सारे ऐसे uh, इनिशिएटिव लिए हैं उनको करते हैं कि क्या क्या करना से हम हेल्थ फिट रहेंगे फिट uh, इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट करेंगे कैसे करेंगे इसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बना के बच्चों को खिलाया जाता है और उसको फिर आगे करते हैं तो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के uh, जो ऑब्जेक्टिव हैं वो एक uh, समाज को एक अच्छे नेतृत्व करता एक अच्छे स्वस्थ व्यक्तियों uh, का निर्माण करना और उनको कैसे हेल्दी रखना इन पर uh, हम बात करते हैं जी फिर अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो हम देखेंगे कि उसकी फिजिकल हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जब बात करते हैं हम तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फ़िजिकल हेल्थ यानी फिट रहेगा डॉक्टर्स के पास कम जाना पड़ेगा और एक्टिविटीज़ अच्छे से करेगा उसकी मेंटल वेलबींग well अच्छी होगी लाइफ स्टाइल उसकी अच्छी होगी कल्चरल एक्सचेंज जो हम स्पोर्ट्स करते हैं तो आप देखिए जब भारत में कोई टीम आती है विदेश में तो एयरपोर्ट पे हम तिलक लगाते हैं और अपने कल्चर ओपनिंग में अपने जो है कल्चरल इवेंट करते हैं तो जो भारत की परंपरा है भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम प्रेजेंट करते हैं या हम विदेश में या कहीं जाते हैं या कोई हैं, कराते हैं तो हम वहाँ के करते हैं तो ये एक सोशल एक्सचेंज कल्चरल एक्सचेंज में भी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इसके अलावा हम बच्चों की जो एक्सेस एनर्जी है उसको एक सही दिशा में कैसे ले जाएं उनको हम उसको फिजिकल एजुकेशन में डाल के ले सकते हैं कि उसकी एक्सेस एनर्जी हम करें जी आगे हम इस विषय में बहुत कुछ खास जानेंगे क्योंकि अपने आप में ये विषय इम्पॉर्टेंट है और बात हो रही है यहाँ फिज़िकल एजुकेशन की तो सर जिस तरह से बता रहे हैं कि कितना अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्यों ज़रूरत है इसकी क्या क्या इसके आगे के पक्ष हो सकते हैं और मैं खुद सर देख ही पा रहे हैं आप स्लाइड में सर बताने जा रहे हैं और मैं खुद सर आपसे यही जानना चाहती थी कि अगर करियर की दृष्टि से देखा जाएगा हम चाहते हैं कि हम अपना जो आगे का फ्यूचर है अपना जो आगे का भविष्य है वो फिज़िकल एजुकेशन में बनाए उस दृष्टि से क्या-क्या मुझे लगता है कि आ, पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर बात करनी चाहिए या फिर कुछ ऐ, ऐसे अच्छे संस्थानों का जिक्र बच्चों के लिए करना चाहिए जो कि आ, फिजिकल एजुकेशन की दृष्टि से बहुत आ, जरूरी है कि उनको उभारा जाए जी सजन जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पर इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह हम फिजिकल एजुकेशन को और बढ़ावा दे सकते हैं कैरियर और इंस्टीट्यूट तो बच्चा जरूर जानेगा पर उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं भारत सरकार या प्रदेशों की सरकार उसके लिए आपको जो मेरे सजेशन है उसमें यह है कि सारे स्कूल को एनुअल स्पोर्ट डे प्रॉपरली उसका कैलेंडर जारी करके करना चाहिए प्ले कराने चाहिए इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से खेल उत्सव कराए लोकगीत के अलग से टूर्नामेंट कराए भारतीय परंपरा से जुड़े हुए खेलों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें तो स्कूल का अगर एक कैलेंडर बन जाए और उसकी एक्टिविटीज का वो हो जाए कि कैसे कब कब बच्चा खेलेगा एक पीरियड में ना रह के ये खेलों को उसके ज़मीन तक लाने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो हमारे स्कूल्स हैं और स्कूल्स इस अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो एक कैलेंडर जारी करते हैं और उन गेमों को या उस फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को रखते हैं तो वो एक अच्छा एक, एक इनिशिएटिव होगा अब बात आपने किया कि कैरियर में कैसे जाएं बच्चे तो कैरियर में फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे रास्ते हैं कैरियर में जाने के लिए और उसके लिए आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं तमाम uh, जो हमारे डिफ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं ट्रेनिंग हुँ. कोच और ट्रेनर इंस्ट्रक्टर योगा इंस्ट्रक्टर आजकल योगा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप देखेंगे हर जगह पर लोगों ने सोसाइटीज़ में योगा कराना शुरू कर दिया है हुँ. तो दैट इज़ वन अनदर पार्ट हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर में जिम देखेंगे आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल जिम्स खुल गए हैं बड़ी बड़ी चैन खुल तो कैरियर के लिए तो बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कोच बन के ऑफिशियल बन के ऑर्गेनाइजर बन के मीडिया सेक्टर में जाके जर्नलिज्म में एंकरिंग में कमेंटेटर में ऐसे मार्केटिंग सेक्टर में है बहुत सारे तो स्पोर्ट्स के गुड्स हैं जिनको बचा, बनाना है सेल करना है तो कैरियर के रूप में फिजिकल एजुकेशन को अडॉप्ट करना है तो बहुत ब्रॉडर एरिया है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि इसमें अपने बच्चों को हम लोग बढ़ावा दें और कहाँ से करने की बात करेंगे तो भारत में बहुत पुरानी संस्था है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल वहाँ से हम देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा खेलों के इतिहास के बारे में चलता है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज वाई कॉलेज ऐसे बहुत सारे हैं पर आज के समय में जहाँ पर जो कोर्स करने की बात करते हैं कि कैरियर कैसे बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बी पी, -पी फिर पी करते हैं या हम <coughs> योगा में स्ट्रक्टर योगा का डिप्लोमा कर लिया और योगा में मास्टरी कर ली और बीपी बीएमपी कर लिया ऐसे बहुत सारे कोर्सेज तो हैं कोचिंग डिप्लोमा डिफरेंट गेम्स के हैं जो एन एस एन पटियाला कराती है तो ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिनको करके बच्चा जो है वो जा सकता है मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आ गया है तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ तो हैं जिनको आप करके इस फील्ड में आ सकते हैं करने की जब बात करेंगे तो हम जो सबसे प्रीमियम की बात करेंगे तो अभी भारत सरकार ने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल खोली है इम्फाल में इसके अलावा एल एन आई पी ग्वालियर क्रिश्चन कॉलेज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिल्ली में डी यू जे एन डी यू लखनऊ यूनिवर्सिटी अवध यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप बी पी एड एम पी एड कर सकते हैं इसके अलावा अगर कोचिंग डिप्लोमा की बात करेंगे तो हमारा जो भारत सरकार का उपक्रम है एन एस एन आई एस पटियाला वहाँ से आप कोचिंग डिप्लोमा करके कोच बन सकते हैं इसके अलावा बहुत बहु, हर स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी लगभग स्पोर्ट्स की खुल गई हैं स्वर्णिम गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है स्पोर्ट्स में उसके पास बी पी तमाम सारे बायो मैकेनिक्स के कोर्सेज वाइडोलॉजी के कोर्सेज तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हुँ. जो अच्छा स्पोर्ट्स में और फिजिकल एजुकेशन में काम कर रही है मैं एक दो नाम जानता हूँ अमेठी यूनिवर्सिटी हो गई एल एल है डी ए है ऐसी आ, सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बच्चों को वहाँ से जाके जो उनके नियर बाई है वहाँ से जाके कर सकते हैं गवर्नमेंट की जब बात करेंगे तो बी एच यू ए एम यू ग्वालियर एक नागपुर में हमारा कॉलेज है उसमें तमाम से ऐसे चलते हैं पर सबसे पुराने की बात करेंगे तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल वहाँ से स्टार्ट होता है और क्रिश्चन कॉलेज उसका एक विस्तृत रूप ले जाके जाता है जी क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में और ये हमारा सोशल साइंस का विषय है कक्षा नौ के बच्चों के लिए यहाँ मैं फिर एक बार जोड़ना चाहूंगी अभी भी क्योंकि हमारे पास सत्र में समय है शेष है आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे तो आप भेज दीजिएगा उसे हमसे साझा करें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट पर या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास नाइन ऐट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर सर हमारे साथ हमारे बहुत से छात्र छात्राएं जुड़ी हुई उन्हें आप इस सत्र के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर उन्हें और क्या बताना चाहेंगे अगर वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और खेल के बेसिकली जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो आपने शुरुआत में कहा था कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन क्या एक दूसरे के एक पूरक कह सकते हैं तो स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने लिए भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसके अलावा ओलंपिक में अपने मेडल को कैसे बढ़ाए आपको बता बता दें कि भारत सरकार के प्रयासों से खेल मंत्रालय के प्रयासों से शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों से 2023 के एशियन गेम्स में भारत की जो पदकों की संख्या थी वो एक हजार एक सौ मेडल हमने जीते जिसमें 28 गोल्ड 38 सिल्वर और 41 ब्रांस जो अब तक के रिकॉर्ड में सबसे अच्छा है तो खेलों के लिए भारत सरकार ने आ, बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं जैसे नई शिक्षा नीति लाई नई शिक्षा नीति में फिजिकल एजुकेशन को कक्षा तीन से और कक्षा बारह तक हम जो है कंपलसरी कर रहे हैं इसके अलावा फ़िट इंडिया मूवमेंट है इसके खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है फिट इंडिया मूवमेंट में एक, 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 एक आधे घंटे रोज फिटनेस की डोज और आधे घंटे रोज करके ऐसे चल रहा है फिर एक फ़िट इंडिया ऐप्स आया है जिसमें आप अब कैसे फिट रह सकते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए वो है फिट इंडिया क्विज भारत सरकार एक कराती है जी. इसके अलावा आप देखेंगे तो रिसर्च के लिए भी भारत सरकार ने कुछ आ, काम किया है जिसमें उन्होंने तमाम सारी सा, मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त किया है और खेल परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए काम करते हैं जी तो अपने आप में हमने बहुत कुछ जाना आज इस विषय के माध्यम से बच्चों एक दौर था जब मैं या कहूँ कि कुछ और पहले अगर हम 20 से 30 साल पहले देखें जब मोबाइल या फिर कुछ भी ऐसे मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर ज़्यादा नहीं प्रचलित नहीं था या मोबाइल ज़्यादा प्रचलित नहीं था तब बच्चों को घरों के बाहर से खेलते बच्चों को घरों में लाना मुश्किल था और उन्हें पकड़ पकड़ कर घर में वापस लाया जाता था ऐसा नहीं था कि तब बच्चे पढ़ते नहीं थे लेकिन अब बच्चों को अगर आप मोबाइल और कंप्यूटर से दूर करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाकर उन्हें बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है ऐसे में आउटडोर गेम्स की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है जैसे कि आपका शारीरिक विकास एक संपूर्ण स्थिति में रहे तो बहुत जरूरी है कि आप आउटडोर गेम्स की तरफ भी अपना रुख करें और फिजिकल एजुकेशन जो हमारा आज का सोशल साइंस का विषय रहा सर ने इतना कुछ बताया हमें कि कितना हमारा भारत के कितने ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया खेलों में और सरकार की भी ऐसी बहुत सी जो है प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से ऐसे काम कर रही है जैसे कि बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े हमने बहुत सी इस बारे में बहुत से पक्षों को जाना सर आपसे एक और अंतिम प्रश्न लेते चलते हैं कि आप हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उन्हें फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू समझाते हुए चंद शब्दों में उन्हें आप एक डे ऑफ दीजिए प्लीज फिजिकल बच्चों सबसे जरूरी है किसी भी काम करने के लिए कि हम फिट और फिट रहने के लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा आपको मैदान में जाना पड़ेगा और जब मैदान में आप जाएंगे तो निश्चित ही तमाम सारी चीजें आपके पास अपने आप आ जाएंगी वहां आपको अच्छे नहीं अगर कहीं कैसे इशू आता है कि टीचर नहीं है तो जो वहां का सीनियर होगा वो आपको बताएगा तो मैं आज के दिन में तो यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में फिजिकल एजुकेशन या खेल से जुड़ी उसको शामिल करिए और अब इतने सारे ऑप्शन हो गए कि आप उसमें अच्छा अचीव अगर करते हैं तो एक एक नेम फेम और जो अभी बात हो रही थी कि मैडम ने एक स्लोगन कहा कि खेलों को कूदोगे तो बनोगे खराब अब वो नहीं रहा अब आप देखिए एक गरीब घर गर के खिलाड़ी एक अच्छे अच्छे हुँ. खेलने के बाद कितना बढ़िया उनका एक पहचान है और उनकी एक अलग छवि है तो सर। आपको इस इस आज के दिन ये प्रण करें कि नहीं हम आधे घंटे तो जरूर खेलेंगे जो भी इंटरेस्ट आपका है कोई खेल है योगा है योगा को भी भारत सरकार ने अब एक स्पोर्ट्स के रूप में लेके उसका अभी शुरू कर दिया और एन उसका एक बड़ा नेशनल ओलम्पियाड कराती है तो किसी ना किसी रूप में आप शामिल होइए और स्पेशल एरिया जो है जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही तो अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है छुटा हुआ जिसपे तो तो आप, तो आप हमारे बच्चों के लिए एक संदेश दें और सर ने कितना खूबसूरत संदेश दिया है कि बच्चों आप खेलिए कूदिए आप बिल्कुल खराब नहीं होने वाले हैं आप जरूर आगे चल के एक अच्छा अपने लिए फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं तो फिजिकल एजुकेशन हमारा एक शीर्षक रहा सोशल साइंस के कक्षा नौ के बच्चों के लिए ये सत्र था और हमने बहुत सी अच्छी चर्चाएं इस सत्र के माध्यम से की अगला हमारा जो सत्र है वो कक्षा नौ के बच्चों के लिए मैथेमेटिक्स का सत्र है जिसमें विषय हम जानेंगे ट्राइंगल्स पार्ट थ्री ट्राइंगल्स पार्ट वन और पार्ट टू में क्या क्या सारांश रहा वो भी हम जानेंगे इस सत्र में तो आप यू ही एनसीआर के सभी लाइव इंटरेक्टिव सेशन के साथ और अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने प्रश्नों को मन में समाये जरूर जुड़ें मैं सृजन राजपूत यहाँ आपसे चाहूंगी अनुमति नमस्कार